असलकुम एंड वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट थ्री मिथिक मूड अभी हम वापस आ गए हैं मिथिक मूड के एक नए एपिसोड में आज हमने कंटिन्यू करनी है अपनी एस्ट्रल सोर्सरी तो जैसे कि आप जानते हो लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था सलेस्ट्रियल ऑल्टर सेलेस्ट्रियल ऑल्टर शायद सेलेस्ट्रियल ऑल्टर तो इस दफ़ा हमने बनाना था एरीडेसेंट ऑल्टर और ये जो इरीडेशन ऑल्टर है ना इसके लिए हमें चाहिए था सिलेस्ट्रियल क्रिस्टल जो हमने लास्ट एपिसोड में आप देखो यहाँ पे ग्रो करने के लिए छोड़े थे और ये फुली ग्रो हो चुके हैं। अभी मैं लेता हूं अपनी फॉर्च्यून की पिक क्योंकि मुझे पता नहीं है ये फॉर्च्यून होता है कि नहीं लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं ओके ये फॉर्च्यून नहीं होता लेकिन इससे मुझे स्टार डस्ट जरूर मिली ऑल्टर सिलेस्ट्रियल क्रिस्टल तो इस तरह से हम बाकी क्रिस्टल भी ले सकते हैं लेकिन अभी मैंने कहा है कि क्योंकि हमारा टाइम गुजर रहा है तो सबसे पहले हम इसे अपग्रेड कर लेते हैं ठीक है उसके लिए ये रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि इसने अपग्रेड होना है ना तो इसके ऊपर जाके जो इरीडेशन ऑल्टर है ना उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ग्लास लेंस बनाना है इस तरह से मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये ग्लास लेंस बन जाएगा ठीक है उसके बाद देखते हैं हम ये बना भी सकते हैं कि लाइट कम है लाइट कम है हमें यहाँ तक चाहिए लाइट ठीक है इसका मतलब हमें बनानी पड़ेगी ये स्टार लाइट रिले ये जो स्टार लाइट रिले है ना ये बनती है मार्बल प्लैंक्स, गोल्ड नगेट्स और ग्लास लेंस से क्योंकि इसको मैं सेटअप करूँगा चारों कॉर्नर्स में कॉर्नर्स या साइड्स में तो फिर वो हमें एक्स्ट्रा लाइट देगी जो इसको ज़रूरत है मैं क्या करता हूँ वो कि बुक के अंदर इसका एक मल्टी ब्लॉक होता है वो ढूंढता हूँ अभी हम बना लेते हैं स्पेक्टर रिलेज इसका नाम है स्पेक्टर रिलेज तो ये बना ली है मैंने स्पेक्टर रिलेज ठीक है अभी मैंने देखना है कि यह काम भी करती है कि नहीं और ये इस वक्त यहाँ पे हो यहाँ तक इसको मिल रही है स्टार लाइट तो मैंने ये फोर्टीन ब्लॉक्स ऊपर और थर्टीन ब्लॉक्स इस साइड पे बनाए हैं यहाँ पे लगाते हैं स्पेक्टर रिले और इसके अंदर एक ग्लास लेंस मुझे और बनाना पड़ेगा क्योंकि वो ग्लास लेंस यूज़ हो गए हैं इसके अंदर इस तरह से वही अच्छा वो एक ग्लास लेंस पड़ा हुआ है वापस वो यूज़ हो जाना है इस रेसिपी में ओके जी अब यहाँ तक यूज़ हो रही है मतलब यहाँ तक मिल रही है हमें तो देखते हैं ये काम करती है कि नहीं ओके आई थिंक काम कर रही है कि नहीं लग नहीं रहा काम कर रही है क्योंकि इसके पार्टिकल्स उस साइड पे नहीं जा रहे ज़्यादा ऊंची है अभी मैंने इसे टू ब्लॉक नीचे और टू ब्लॉक साइड पे कर दिया है करीब अब लगा के देखते हैं ओके okay, अभी भी नहीं काम कर रहा हम्म चलें जी मैंने ना तीनों साइडों पे सेटअप कर दिया है चौथी साइड पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉल ये इन्फ्यूज़र के ऊपर आएगा तो इस इन्फ्यूज़र को ना मैं थोड़ा साइड पे करके फिर यहाँ पे लगाऊंगा अभी यहाँ पे देखो आप ये जो ऑल्टर है ना इससे हमने फोर्टीन ब्लॉक या उससे कम पे लगाना है मैं इस इस वाले ब्लॉक से 14 ब्लॉक जा रहा था तो आपने याद रखना है ऑल्टर से 14 या उससे कम मैंने थर्टीनथ ब्लॉक पे लगाया है ये वाला जो सूटी मार्बल है ठीक है अभी इसके अंदर हम स्पेक्टर रिले स्पेक्... स्पेक्ट्रल रिले ये लगा देते हैं और पहले चल के देखते हैं कि यहाँ पे कितना है स्टार लाइट ओके यहाँ तक है स्टार लाइट ठीक है पहले एक लगाते हैं और आप देखो अभी इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो वो जो ऑल्टर है उसकी तरफ जा रहे हैं इसका मतलब ये काम कर रहा है ठीक है अभी आप देखते हैं जाके और देखो ऑलमोस्ट फुल होगी है इसकी जो स्टार लाइट है तो दूसरा भी लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से मेरे ख़्याल से तीसरी की ज़रूरत ही नहीं है हाँ जी फुल है अभी हम इसमें क्राफ्टिंग कर सकते हैं ये वाली ठीक है तो चलिए फिर इसको अपग्रेड करते हैं और अपग्रेड करने के बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी अभी मैं इसको अपग्रेड होने देता हूँ चलें जी हमारी जो स्टार लाइट की क्राफ्टिंग है वो अपग्रेड गई है और यू लर्न मोर अबाउट रेडियंस इसको हम हाथ में पकड़ेंगे तो ये हमें क्वेस्ट भी कंप्लीट कर देगी नाइस यहाँ पे रखनी है ना वन टू थ्री एंड वन टू थ्री ओके इसका जो ऑल्टर है ना वो अभी कंप्लीट नहीं है उसके लिए हमें चाहिए ब्रिक्स और ब्रिक्स को हमने लगाना है यहाँ पे इस तरह से वन टू वन टू वन टू एंड वन टू ठीक है उसके बाद वन टू और यहाँ पे वन टू ये लास्ट वाला है एक दो एक और ये जैसे मैं लगाऊंगा ना तो इसका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन मैंने इससे पहले ये रिलेज उतारनी है ताकि मुझे पता हो इसने ओ, अच्छा ये कितनी स्टार लाइट यूज़ कर रही है और दिन हो रहा है तो उसको मैं अंधेरा कर दूंगा ये एक जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना तो ये देखें हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और अंधेरे करते हैं और देखते हैं फिर कितनी स्टार लाइट है हमारे पास अभी अंधेरा हो गया है और ये क्या कर रहा है यहाँ पे ओके okay. हमारे पास इस वक्त इतनी है स्टारलाइट लेकिन आहिस्ता आहिता अंधेरा हो रहा है तीन रिलेज लगाने के बाद मुझे यहां तक मिली है इसकी एनर्जी चलें हमारा यहाँ तक तो हो गया कम्प्लीट ठीक है नेक्स्ट अब हम एस्ट्रल रिचुअल बना सकते हैं ट्यूनमेंट कर सकते हैं शिफ्टिंग स्टार लेकिन जो काम मैंने करना है ना वो देखते हैं कि क्या ज़रूरी है सबसे पहले इसमें अच्छा जी अभी जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है ना वो है हमने बनाना है अट्यूनमेंट ऑल्टर और इसके लिए हमें नॉर्मल सी चीज़ें चाहिए कुछ ख़ास नहीं है तो सबसे पहले ये बना लेते हैं अट्यूनमेंट ऑल्टर इस तरह से और इसको ये जो अट्यूनमेंट ऑल्टर है ना ये बनाने की वजह है कि नेक्स्ट हमने अब जो कॉन्सलेशन देखनी है ना डिस्कवर करनी है उसके लिए हमें खुद को अट्यून करना पड़ेगा तो सबसे पहले बना लेते हैं अट्यूनमेंट ऑल्टर और क्योंकि ये बना लिया मैंने तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बनानी है वो है कॉन्टेनमेंट कौन्ते, चैलस शायद इस तरह ही कहते हैं उसके लिए मुझे रेजनेटिंग जैम चाहिए वो मैं बना लूँ दो चाहिए मुझे वो ना यहाँ पे लगेगा मतलब कंटेनमेंट चैलस और फिर वो यहाँ से जो स्टार लाइट होती है ना इसको नहीं यूज़ करेगा उसके अंदर हमने स्टार लाइट डाल देनी है फिर वही यूज़ होती रहेगी ये बार बार जब स्टार लाइट यहाँ पर अब यूज़ हुई है कि नहीं पता नहीं है मुझे देखते हैं वो यहाँ पे हम बना लेते हैं कंटेनमेंट चैलेस इसके लिए ना हमें एक्स्ट्रा एक्वा मरीन्स चाहिए वो हमने यहाँ पे लगाने हैं ये हमें बताएगा जब लगाने हैं कितने लगाने हैं वन टू थ्री फोर फाइव लगाने हैं मैं फोर लेके आया हूँ वो इसके लिए स्टारलाइट कम है इसका मतलब फोर्थ भी मुझे सेटअप करना पड़ेगा क्या स्टारलाइट पूरी होगी आई थिंक ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है ऑलमोस्ट और ये पूरी होगी चलें अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो रेसिपी है और एक यहाँ पे लगेगा यहाँ पे लगेगा यहाँ पे लगेगा यहाँ पर और यहाँ पे अभी रेसिपी कंप्लीट होगी इनशाला है चल जी कंटेनमेंट चैलेस हमने बना लिया है इसको लगा देते हैं यहाँ पर और आई थिंक यहाँ से ये यह ले लेगा अभी यहाँ से लगाते हैं थ्री बकेट्स और ये थ्री बकेट्स इसके अंदर डाल देते हैं जैसे फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर और डाल लेंगे चलें जी अभी इसका काम हो चुका है ख़त्म अभी मैंने सेटअप करना है अट्यूनमेंट ऑल्टर चले जी अभी मैंने यहाँ आप देखो यहाँ पे रिचुअल का जो है ना क्या कहते हैं उसे मल्टी ब्लॉक स्ट्रक्चर उसे मैंने सेटअप कर दिया है सॉरी रिचुअल नहीं अट्यूनमेंट का और ये जो अट्यूनमेंट ऑर्डर है ये लग जाएगा यहाँ पर और ये देखो आप जो नज़र आ रहे हैं ना इसका मतलब ये काम कर रहा है इसको अब मैंने जो मेरा प्लेयर है ना उसको मैंने अट्यून करना है इस वाली के ऊपर आई थिंक ये प्लांट्स को ग्रो करवाती है जैसे बोन मिल होता है तो ये है एवीटस तो हमने क्या करना है शिफ्ट राइट क्लिक करना है एवीटस की लेनी है एविटस ली है हमने उसका पेपर उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ा और ये जो स्पेक्टर रिलेज हैं इनको हमने अब ऐसे पकड़ लेना है और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है ना ये ऐसे पार्टिकल्स हैं वहाँ पे हमने ओके दूसरी तरह पकड़ना है शायद ओके okay. इस तरह से स्पेक्टर लेस लगानी है जहां जहाँ पे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आई थिंक यहां पे भी है और, और अंधेरा करना है दोबारा देर जल्दी, जल्दी 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 क्या मैंने बचा लिया बीटस को कि नहीं लग रहा है मैंने नहीं बचाया एक दफ़ा देख लेता हूँ बच गई है बच है चलो कंटिन्यू करते हैं मैं जल्दी से रिलेज लगा लूँ जहाँ जहाँ पे लगनी है इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी शायद लगनी है ओके अभी आप देखो मैंने सारी रिलेज लगा दी है ना तो वो जो कॉन्स्टिलेशन है वो एक्टिव हो गई है ये देखो आप अभी मैंने क्या करना है ख़ुद को इसके अंदर लगाना है तो मेरा जो करेक्टर है ना वो एट्यून होना शुरू हो जाएगा अभी देखते हैं ये देखो आप ये अट्यूनमेंट हो रही है अब मेरे करेक्टर के ऊपर वासमेंट मेड मैंने ख़ुद को अट्यून करवा लिया अब अब एविटस पे इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये अपना काम ना कर सके तो अभी चलते हैं वापस इसके अंदर और यहाँ पे हमारी पर्क्स नज़र आ रही हैं अब आई डोंट नो पर्स पर, 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 पर्क्स पर्क्स इन पर्क्स का क्या काम है लेकिन देख लेते हैं अभी मेरे पास एक अवेलेबल पॉइंट है इंक्रीज मैक्सिमम लाइफ फाइव परसेंट इनक्रीज़ ओके मैंने ये एक्टिव कर दिए लेकिन पर्क्स मिलती कैसे हैं uh... गें एक्सपीरियंस बाय बिल्डिंग थिंग्स ओके इसके अंदर मैं चीज़ें क्रिएट करूँगा तो उससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगी अभी मैंने एक्स्ट्रा जो लेनी थी ना सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कॉन्स्टलेशंस आई एट नाइन टेन इलेवन एलेवन कॉन्स्टोलेशंस हैं आई थिंक टोटल जी इलेवन कॉन्स्टलेशन और मैंने लर्न कर ली हैं अभी इनमें से देखते हैं जो जो सी ज़्यादा ज़रूरी है ना वो फिर हमने बल्कि वैसे तो सारी ज़रूरी होती हैं इनको मैं रख लेता हूँ इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन जब आप अपने प्लेयर को अट्यून करोगे ना किसी कॉन्स्टलेशन पे पहली फाइव में से तो फिर आप नेक्स्ट वाली जो एलेवन है उनको लर्न कर सकते हो वी सी आई थिंक वी हमने लर्न कर ली थी ठीक है उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन हैं ये सारी हमने अब लर्न करनी है ये वाली जो सारी हैं तो मैं क्या करूँगा ऑफ कैमरा अभी वैसे देख लेता हूँ कोई है कॉन्स्टिलेशन इधर अभी एक कॉन्स्टिलेशन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओ आई थिंक ये सीधी सीधी मुझे पता है ये कौन सी है ये कॉन्स्टिलेशन है ये वाली मई नई पता नहीं क्या नाम है चलें इसको करते हैं ये सीधी सीधी है इस तरह से चलें जी ये हमने लर्न कर ली अभी जो प्रोग्रेशन करनी है ना हमने उसमें मैंने देखा है कि मैंने सबसे पहले तो बनाना है एमी कंट्रोलर ताकि मैं जो हमारा जो सिस्टम है ना सारा जितना भी सामान वग़ैरह है मतलब आइटम्स हैं स्टोरेज है उन सबको मैंने डिजिटल करना है उसके लिए मुझे चाहिए एमी कंट्रोलर जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए उसमें सबसे पहली चीज़ तो स्काई स्टोन ब्लॉक है जो कि सिंपल है वो सिर्फ़ स्काई स्टोन से बन जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रिस्टल क्लस्टर ब्लड मैजिक का इतना मतलब ये जो ब्लड मैजिक का क्रिस्टल क्लस्टर है ना इसके लिए हमें चाहिए था एरिडेशन ऑल्टर जो कि मैं बना चुका हूँ उसके बाद हमें स्टार मेटल चाहिए था वो भी अवेलेबल है ये जो प्योर फ्लूक्स क्रिस्टल्स हैं ये हम बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता सेलेस्ट्रियल क्रिस्टल भी मैंने बना लिया है जो नेक्स्ट चीज़ मुझे इसमें चाहिए ना वो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हमें ना एक कॉन्स्टलेशन भी चाहिए इसके लिए तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है ना ये है अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ये है ऑक्टेन और अच्छी बात ये है कि आज मुझे ना ऑक्टेन मिल गई है अभी मैंने देखा था इधर ये देखो तो अभी ना ये जो ऑक्टेन है इसको लर्न कर लेते हैं इस तरह से चलें जी ये ऑक्टेन को मैंने लर्न कर लिया है अब क्या करना है कि इसके ऊपर ना मैंने एक क्रिस्टल रॉक क्रिस्टल भी कर सकते हैं हमने इसको करना है क्या कहते हैं उसे अट्यून करना है तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ स्पेक्टर लेस यहाँ पे यहाँ पे और आई थिंक एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और मैंने ध्यान रखना है कि मैं खुद को ना इस पर कर लूँ तो ये जो क्रिस्टल है ना इसको करना है हमने इस पर अट्यून अट्यून इसलिए करना है कि ये जो क्रिस्टल है ना ये अट्यून हुआ होगा जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे ना इस स्लॉट के अंदर तो ये फिर उस स्लॉट के अंदर लगने से इस क्राफ्टिंग के अंदर वो वाली जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिलेशन है ना उसकी लाइट को शाइन करेगा और फिर हम ये वाला क्राफ्टिंग कंप्लीट कर पाएंगे तो इसके अंदर सामान तो सारा मेरे पास मौजूद है सिर्फ ये जो स्पेशियस क्रिस्टल है ये बनता है डल फ्लोटिंग और एम्पावर्ड ये भी सिंपल है सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो है प्योर फ्लूएक्स क्रिस्टल जो कि मैं बाद में भी बना सकता हूँ इतनी कोई ज़रूरी नहीं है मतलब इतनी जल्दी नहीं है और आई थिंक ये हो चुका है ओके अट्यून हो चुका है अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तो चेक कर सकते हैं हम जी ये देखो आप चलें ये तो हो चुका है हमारा एक चीज कंप्लीट अभी जो तो नेक्स्ट चीज़ मैंने करनी है ना वो देखते हैं क्या है अभी जो नेक्स्ट चीज करनी है ना मैंने ये जो मेरे सेले क्रिस्टल्स है ना इनको ग्रो करवाना है मतलब इनका साइज़ थ्री सिक्सटी एट है ना इसको नाइन हंड्रेड करना है प्योरिटी नाइन हंड्रेड और कटिंग भी नाइन हंड्रेड ये करना है ताकि मैं इससे फिर बना सकूं फ्लोटिंग क्रिस्टल जैसे ये क्रिस्टल है ना वैसा क्रिस्टल है, बनाते हैं ये देखो कलेक्टर क्रिस्टल हाँ कलेक्टर क्रिस्टल बनाते हैं तो जितना वो क्रिस्टल अच्छा होगा उतना कलेक्टर क्रिस्टल लाइट को ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करेगा तो अगर वो हम फुल मतलब इसको प्योर करके फिर उससे कलेक्टेड क्रिस्टल बनाएंगे ना तो हम डे टाइम में भी ये जितनी रिलेज है इनको उतार के इसमें हमें फुल एनर्जी मिलेगी फुल स्टार लाइट तो उसके लिए स्टार्टिंग पे मैंने क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए ब्लॉक्स टू थ्री एंड फोर ठीक है इसके अंदर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर ठीक है ये मैंने लिया है जी फ्लूड प्लेसर ये इस साइड पे प्लेस करेगा या इस साइड पे ये मसला है अब आई थिंक इस साइड पे नहीं इस साइड पे करेगा शायद तो इसको इस साइड पे फेस करके लगाता हूँ थ्री एंड फोर ठीक है ये लग गया उसके बाद लेनी है इनहैस फ्लूड कॉन्डेट्स वन टू इसको लगा देते हैं इंसर्ट पे अब इसको ऑलवेज एक्टिव कर देते हैं और देखो आप यहाँ पे सारे फ्लुइड चला गया इनके अंदर ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ जो करनी है ना मैंने जितने मेरे सबसे अच्छे वाले सिलेस्ट्रियल स्लेश्ट्रि, क्रिस्टल्स हैं ना उनको मैंने फेंकना है फोर सिक्सटी एट ये एट हंड्रेड वाला फेंकते हैं और ये डिसपोन नहीं होता है थोड़ी देर के बाद ये जो ये लिक्विड स्टार लाइट है ना ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा और ये ख़ुद ब खुद बाखुद इसके अंदर और फेंक देगा तो नेक्स्ट चीज़ है ये फाइव नाइन्टी सेवन वाला फेंकते हैं थर्टी नाइन और आई थिंक यहाँ पे सिक्स हंड्रेड था चलें ये मैंने फेंक दी हैं अब बस वेटिंग गेम है आप देखो पार्टिकल्स भी हो रहे हैं जैसे जैसे ये इनकी प्रोग्रेशन होगी फॉर मैं फिर आपको दिखाता रहूंगा उतनी देर हम फिर साथ साथ बाकी काम करते रहेंगे ठीक है अभी मैंने क्या करना है कि ये देखें अगर हम क्रिस्टल को सिलेस्ट्रियल क्रिस्टल तो इसका साइज हो चुका है 900 हंड्रेड प्योरिटी फोटी है और कटिंग 68 है तो अभी हमने क्या करना है इसको ना ये ग्राइंड स्टोन पर लगा के राइट क्लिक करना है और ध्यान रखना है आपने क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है अभी इसकी कटिंग 81 वन है और प्योरिटी है इसकी 42 टू परसेंट आई थिंक ये जो परसेंटेज है ये 100 होती है और साइज़ हमने 900 करना है तो जैसे जैसे अभी हम इसके राइट क्लिक करेंगे ना तो इसका साइज़ कम होता रहेगा लेकिन अगर साइज़ इसका जीरो हो गया तो ये वेस्ट भी हो सकता है तो ध्यान रखना है आपने अभी इसकी कटिंग वन हंड्रेड गई है तो अभी हमने इसको वापस डाल देना है क्योंकि जो प्योरिटी है ना वो इसके अंदर ही इसकी बढ़ेगी ठीक है अभी इसको देखते हैं ऐसे ही इसकी प्योरिटी वन हंड्रेड हो चुकी है बड़े बुआ ये तो बड़ी जल्दी हो चुका है बस इसकी कटिंग हमने करनी है वन हंड्रेड और उसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज करना है चले ये क्रिस्टल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है ये देखें इसका वन हंड्रेड वन हंड्रेड हो चुका है सिर्फ साइज़ इसका नाइन हंड्रेड करना है और ये क्रिस्टल हमारा रेडी हो जाएगा इसको फिर हमने निकाल लेना है ध्यान रखना है अगर ना निकालेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा और फिर से हमें मतलब ये एक से दो हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा इसको करना पड़ेगा इसी तरह मैं बाकी क्रिस्टल्स को भी कर लेता हूँ आप देखो आप ये अब हमारा जो है ना क्रिस्टल ये स्प्लिट हो गया है इसकी प्योरिटी आई थिंक नाइन हंड्रेड हंड्रेड पूरी हो गई थी तो ये स्प्लिट हो गया है चलें मैं इसी तरह कंटिन्यू करता हूँ और सारे क्रिस्टल्स को हमने करना है कंप्लीट और फिर मैं देखता हूँ अभी मैंने क्या किया है कि ये देखो आप मैंने ना तकरीबन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो क्रिस्टल्स हैं ना उनको मैंने कर लिया है ट्यून ट्यून कह रहा हूँ उनको मैंने प्योर कर लिया है मतलब जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं हमारे इन में से अभी मैंने क्या करना है कि एक क्रिस्टल को एक नहीं बल्कि फाइव क्रिस्टल्स को मैंने कन्वर्ट करना है क्या कहते हैं उसे कलेक्टर क्रिस्टल ये देखो आप कलेक्टर क्रिस्टल इसके लिए हमें चाहिए एलुमिनेशन पाउडर वो बनता है एलुमिनेशन पाउडर ग्लोस्टोन और एक्वामरीन से उसके बाद रेजिनेटिंग जैम चाहिए स्टार डस्ट चाहिए और अट्यून्ड रॉक क्रिस्टल चाहिए मतलब इसके अंदर हम वो एक मिनट इधर इनहेंसट्रियल कलेक्टर क्रिस्टल बनाना है सच हाँ सेलेस्ट्रियल वाला बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए सेलेट्रियल क्रिस्टल एट्यून तो उसको एट्यून करना है ना मैंने अब क्योंकि इसको मैंने प्योर तो कर लिया है तो एट्यून करने के लिए मुझे जो कॉन्स्टिलेशन चाहिए वो है हॉरोलॉजियम ये जो हॉरोलॉजियम है ना ये एवरी ट्वेंटी एट माइन डेज़ के बाद अपेयर होती है एक रात के लिए तो मैं पिछले दस दिन से देख रहा हूँ अभी तक तो नहीं अपीयर हुई मैंने कहा चलो इसी एपिसोड में हम लेक्टर क्रिस्टल बना के तो ये कंप्लीट कर देंगे लेकिन क्या करें अभी एपिसोड का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूँगा ऑफ़ कैमरा देखूँगा अगर मुझे मिलगी होरोलोजियम, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा काम शुरू करेंगे जैसे जैसे हम दूसरे मोड्स में प्रोग्रेस करेंगे साथ साथ मैं इसको भी देखता रहूँगा जैसे ही मुझे मिलेगी ना हॉरोलोजियम की कॉन्स्टोलेशन तो उसके ऊपर फिर हमने करना है सबसे पहले तो उसको लर्न करना है फिर उसके ऊपर एट्यून करने हैं हमने ये जो हमने स्टलेस्टर क्रिस्टल्स हैं उसके बाद उसको हमने कन्वर्ट करना है कलेक्टर क्रिस्टल्स के अंदर ठीक है फिर उससे हम सेटअप कर सकते हैं कलेक्टर क्रिस्टल का एक मल्टी ब्लॉक वो यहीं पे कर लेंगे सेटअप इसके सामने तो फिर हम दिन के टाइम भी इसको यूज़ कर पाएंगे फुल ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को कमेंट भी कर सकते हो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़